अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोगी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अपने Yamaha A1 के अंदर कैसे ऑटोमेटिकली वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, चाहे हो होम स्क्रीन हो या लॉक स्क्रीन हो, तो चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक Yamaha A1 डिवाइस यूज करते हैं तो और उसके अंदर ऑटो वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आप अपने प्ले स्टोर में जाना है। उसके बाद प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर एक ऐप सर्च करना है, उसका नाम है गुड फोन। ये देखिए, वहाँ पर फर्स्ट में ही आ गया गुड फोन वो HD वॉलपेपर बैकग्राउंड्स, तो इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ 5.2 MB की एक फाइल है, ये इसको आप इंस्टॉल करना है। तो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद मैंने अभी इसको ओपन कर लेता हूँ, तो इस तरह यहाँ पर वॉलपेपर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने अभी कौन सा भी एक वॉलपेपर सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए ये देखिए पैरोट का। उसके बाद मैंने इसको फेवरेट में क्लिक करता हूँ, तो फेवरेट कर लिया। उसके बाद बैक जाता हूँ तो ये देखिए फ्लावर है, फ्लावर मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, तो मैंने इसको अभी फेवरेट कर लिया। तो इस तरह आप कौन सा भी वॉलपेपर यहाँ पर जाकर फेवरेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारे मैंने अभी फेवरेट कर चुका हूँ। तो इस तरह आप यहाँ पर फेवरेट कर सकते हो। फेवरेट करने के बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज भी आता है, यहाँ पे कैटेगरी आता है, तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी बहुत सारे कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आप चाहे तो कैटेगरी में जाकर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पर टॉप ऑफ ए डे, तो मैंने अभी यहाँ पर ही सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो उसके बाद आता है यहाँ पर सिलेक्शन, उसके बाद न्यू आता है, तो उसके बाद रैंडम। तो यहाँ पर कौन सा भी एक आप चॉइस करके उसको आप सिर्फ ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या है, उसको फेवरेट करना है, या फेवरेट नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा कोई नहीं है फेवरेट करना ही बोल के नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आप 3 डॉट्स क्लिक करना है, ऊपर 3 डॉट्स आते हैं, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आता है नोटिफिकेशन, उसके बाद ऑटो वॉलपेपर चेंजर, उसके बाद सेटिंग्स। तो उसमें आप क्या करना है, ऑटो वॉलपेपर चेंजर्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑटो वॉलपेपर चेंजर्स, इसको डिसेबल रहता है, तो डिसेबल रहता है, तो अभी देखिए मैंने इसको डिसेबल कर चुका हूँ, डिसेबल रहता है, उसको आप एनेबल करना है। तो इस तरह एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद यहाँ पर देखिए यूज़ वॉलपेपर फ्रॉम, तो आप यहाँ पर जाकर फेवरेट रख सकते हो, होल सेट भी रख सकते हो, तो कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर रख सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने फेवरेट रखता हूँ। तो फेवरेट रखने के बाद यहाँ पर देखिए स्पैम, तो मैंने 15 मिनट रखा हूँ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हो, यानी 15 मिनट के बाद चेंज करना है, या 30 मिनट बाद, या 1 घंटा, 2 घंटे, या 1 दिन, तो ऐसा आप कुछ भी रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने रखा हूँ 15 मिनट। उसके बाद आता है यहाँ पर इंस्टॉल आप कैसे करना है, विथ स्क्रॉल करना है या फिक्स करना है। स्क्रॉल के लिए देखिए मैंने अभी इसको मैंने इस तरह आप स्क्रॉल भी कर सकते हो, या नहीं तो आप क्या है, आप फिक्स भी रख सकते हो, तो मैंने स्क्रॉल रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑन लॉक स्क्रीन, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने लॉक स्क्रीन पे ही चेंज कर रखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप रख सकते हो। तो ये देखिए मैंने अभी यहाँ पर क्लिक किया, तो मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मैंने पूरा रख देता हूँ। तो अगर आप क्लिक नहीं किया तो यहाँ पर होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों पर भी ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने Yamaha A1 के अंदर इस ऐप की मदद से ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो वहाँ पर जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस इतना ही बताना था आपको। अगर इस वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, शेयर करना और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।